दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Hey guys, welcome back to the channel. This is Pankaj with you. IPL 2020 का 50वां मैच किंग्स इलेवन पंजाब और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेला जाने वाला है। प्लेऑफ में जाने के लिए शुरू हो चुका है एक महासंग्राम। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस मैच को जीतकर प्लेऑफ में जाने की किसकी उम्मीदें रहेगी बरकरार और किसकी उम्मीदों पर लगेगा विराम। जी हाँ, काफी कमाल का मुकाबला होने वाला है ये, तो आप बने रहे इस वीडियो में हमारे साथ क्योंकि हम करने वाले हैं इस मैच की बात। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या है पिच का हाल। तो ये जो मुकाबला है शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी में खेला जाने वाला है। अब तक यहां इस आईपीएल के 17 मैच खेले जा चुके हैं जिनमें से 8 बार पहले बैटिंग करने वाली वहीं 9 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है। इन 17 मैचों में 112 विकेट तेज गेंदबाजों को वहीं 57 विकेट स्पिनरों को भी मिले हैं। इस मुकाबले में यहां तेज गेंदबाजों का दबदबा हो सकता है, इसलिए आपको 160 से 170 के आसपास का स्कोर देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं दोनों टीमों की पॉसिबल प्लेइंग 11 की और इनके फॉर्म की। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब के किंग्स की। तो पंजाब की टीम अपने 12 मैचों में से 6 मैच जीत पॉइंट टेबल पर चौथे नंबर पर बनी हुई है और ये मैच जीतकर अपना ये स्थान बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम अपने पिछले लगातार 5 मैच जीतकर आ रही है और अपने प्रचंड फॉर्म के साथ पंजाब की टीम अपने विजय रथ पर सवार होकर शीघ्रता से प्लेऑफ के लिए प्रस्थान कर रही है। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग हर जगह किंग्स इलेवन पंजाब की टीम ने पिछले 5 मैचों में अपना लोहा मनवाया है। शुरू के मैचों में ये पूरी तरीके से मयंक अग्रवाल और कप्तान केएल राहुल पर डिपेंड होकर खेल रहे थे, लेकिन गेल की टीम में आने के बाद से सब कुछ सही हो गया। साथ ही साथ मनदीप सिंह और निकोलस पूरन से भी अच्छे रन देखने को मिल रहे हैं, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। राजस्थान के खिलाफ इस मुकाबले में क्रिस गेल नामक एक भयंकर तूफान के आने के आसार नजर आ रहे हैं। जी हां, गेल के साथ साथ ऑरेंज कैप धारी भारतीय टीम के नए उप कप्तान कमाल लाजवाब राहुल के बल्ले से भी इस मुकाबले में एक तबाही ला देने वाली पारी देखने को मिल सकती है। मयंक अग्रवाल का चोटिल होना किंग्स इलेवन पंजाब के लिए एक बड़ा कंसर्न जरूर है, लेकिन कोलकाता के खिलाफ 66 रनों की पारी खेलकर मनदीप सिंह ने यह बता दिया कि मयंक अग्रवाल के न होने पर वो मामले को संभाल सकते हैं। इस मुकाबले में निकोलस के बल्ले से भी कुछ बड़े शॉट्स निकल सकते हैं। बात करें अगर इनकी गेंदबाजी की तो सनराइजर्स और कोलकाता के खिलाफ लगातार 2 मैच किंग्स इलेवन पंजाब ने अपनी गेंदबाजी के दम पर जीते थे। पंजाब के गेंदबाज लगातार खतरनाक और खुखार गेंदबाजी कर रहे हैं। करो या मरो के इस मुकाबले में मोहम्मद समी, रवि बिश्नोई और अक्षर दीप पर गेंदबाजी का सारा दारोमदार होगा। पंजाब की टीम में मयंक अग्रवाल की वापसी हो सकती है। अब बात करते हैं राजस्थान के रॉयल्स की। तो राजस्थान की टीम अपने 12 मैचों में से 5 मैच जीतकर पॉइंट टेबल पर 7वें नंबर पर चल रही है और यह मुकाबला जीतकर अपने प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। अपने पिछले मुकाबले में मुंबई इंडियंस जैसी महाबली टीम को 8 विकेट से हराने के बाद राजस्थान की टीम एक उच्च मनोबल के साथ पंजाब फतह करने के इरादे से उतरेगी। पिछले मुकाबले के शतक वीर स्टोक्स एक बार फिर से एक बड़े मुकाबले में बड़े स्टोक्स लगाने के लिए तैयार हैं। वहीं मुंबई के खिलाफ 54 रनों की एक हैंडसम पारी खेलकर संजू सैमसन भी फॉर्म में वापसी कर चुके हैं। इन दोनों खिलाड़ियों पर इस करो या मरो के मुकाबले में काफी कुछ डिपेंड करेगा। कप्तान स्टीवन स्मिथ का फॉर्म राजस्थान रॉयल्स के लिए एक बड़ा कंसर्न जरूर है, लेकिन उससे भी बड़ा कंसर्न इनके गेंदबाजों का लगातार रन खर्च करना और विकेट न लेना है। एक जोफ्रा अर्चर ही लगातार विकेट ले रहे हैं और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछले कुछ मुकाबलों में गोपाल ने भी कुछ विकेट जरूर चटकाए हैं, लेकिन रनों पे अंकुश तो वो भी नहीं लगा पा रहे हैं। इस करो या मरो के मुकाबले में राजस्थान की कमजोर गेंदबाजी इनके हार की बड़ी वजह बन सकती है, लेकिन इनके बल्लेबाजों में इतना दमखम है कि वो अपने इस कमी को भरपाई अपने महाप्रलयकाली बल्लेबाजी से कर सकते हैं। अब बात करते हैं फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंस हेड टू हेड बैटल्स की। तो इन दोनों टीमों के बीच अब तक 20 हेड टू हेड मुकाबले खेले जा चुके हैं जिनमें से 11 बार राजस्थान ने हल्ला बोला है, वहीं 9 बार पंजाब ने जीत का पटाखा फोड़ा है। पिछले साल इन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए थे और दोनों ही मुकाबले पंजाब की टीम ने जीते थे और इस साल भी इन दोनों टीमों के बीच 1 मुकाबला खेला जा चुका है और वो मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। अब बात करते हैं फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंस एक्स फैक्टर्स की। तो किंग्स इलेवन पंजाब की तरफ से इस टूर्नामेंट में 20 विकेट ले चुके पंजाब के खतरनाक वेपन मोहम्मद समी कयामत भरी गेंदबाजी करते हुए एक्स फैक्टर का रोल प्ले कर सकते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इस टूर्नामेंट में 17 विकेट ले चुके आरआर की गेंदबाजी के इकलौते वॉरियर जोफ्रा अर्चर अपनी शानदार और धारदार गेंदबाजी से पंजाब के मनसूबों पर पानी फेर सकते हैं। आपको बता दें कि ये दोनों खिलाड़ी मेरी फैंटेसी पावर 11 की टीम के कैप्टन एंड वाइस
कैप्टन भी है। आप भी अपनी टीम फैंटेसी पावर 11 पर बनाकर आईफोन 11 के साथ साथ ढेर सारे रियल कैश प्राइजेस भी जीत सकते हो। तो भैया देर किस बात की, मौका भी है, दस्तूर भी है और फैंटेसी पावर 11 जैसा आपके पास कोहिनूर भी है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, थोड़ी सी अपनी बुद्धि चलाइए और दबा के कमाइए। फैंटेसी पावर 11 प्रेजेंट्स, कौन बनेगा दमदार, कौन जीतेगा ये महासंग्राम और किसके प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों पर लगेगा विराम। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे एनालिसिस के अनुसार किंग्स 11 पंजाब जीतेगी ये महासंग्राम और राजस्थान के प्लेऑफ में जाने की उम्मीदों पर लगेगा विराम। फैंटेसी टीम इनिंग अपडेट्स जैसी और भी कई सारी इंटरेस्टिंग और मजेदार अपडेट्स के लिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अगर आपको भी लगता है कि इस मैच में ऐसा ही कुछ होने वाला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा और अगर आपको लगता है कि कुछ और होने वाला है तो कमेंट करके बताइएगा कि क्या होने वाला है। हमारे साथ मिलकर आईपीएल का लुत्फ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। धन्यवाद।